सुनो, हाँ मैं सोच रही हूँ बाल कटवा लूँ। कटवा लो इतनी मुश्किल से लंबे किए थे, मगर तो ना कटवाओ, आजकल छोटे बालों का फैशन है। तो कटवा लो लेकिन लंबे बाल आपको बहुत पसंद है, तो ना कटवाओ, पर मेरी दोस्त कहती है मेरे मुंह पे छोटे बाल अच्छे लगते हैं। तो कटवा लो, मगर छोटे बालों की चोटी नहीं बनेगी। तो ना कटवाओ, सोच रही हूँ एक बार तजुर्बा करके देख लेती हूँ, तो कटवा लो, लेकिन अगर खराब हो गए तो तो ना कटवाओ, सोच रही हूँ कटवा ही लूँ। तो कटवा लो, अगर ना अच्छे लगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी। तो ना कटवाओ, वैसे छोटे बाल संभालना आसान होते हैं, तो कटवा लो, पर डर लगता है बुरे ना लगे। तो ना कटवाओ, मैंने फैसला कर लिया, अब कटवा ही लेती हूँ। तो कटवा लो, तो फिर कब चले? अरे, तो ना कटवाओ, मैं अम्मी के घर पे चलने की बात कर रही हूँ। तो कटवा लो, आप कह क्या रहे हैं? लगता आप मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ना कटवाओ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो कटवा लो, तो ना कटवाओ। सुनो, एक बात बताओ, पूछो। अगर आपको किसी एक्ट्रेस या फिर मुझ में से किसी एक को चूज करना हो तो किसे चूज करोगे? यार ये तो डिपेंड करता है कौन सी एक्ट्रेस है। तो बताओ, दीपिका पादुकोण या फिर मैं? दीपिका पादुकोण। अच्छा, मैं नहीं? यार दोनों नहीं मिल सकती। नहीं, किसी एक को ही चूज करना पड़ेगा। फिर तो ऑफ कोर्स दीपिका पादुकोण। औरत को बस तीन चीज चाहिए, सुंदर काया, जेब में माया, और पति को एक आवाज लगाने पे वो डर के बोले यस डार्लिंग आया। और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है, मेरी समझदारी या मेरी सुंदरता? बस तुम्हारी यही मजाक करने की आदत। अगर कोई औरत तुम्हें फ्लाइंग किस करती है तुम्हें कैसा फील होता है? मैं नफरत करता हूँ ऐसी आलसी औरतों से। अरे वाह। हाँ और क्या, डायरेक्ट आके भी तो कर सकती हैं। अबे साले, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। पानी लोगे? कितनी अच्छी लग रही है ना ये पक्षियों की आवाज। हाँ, नेचुरल साउंड बहुत अच्छी लगती है। नेचुरल साउंड बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, जैसे एक डाल पे मान ले 10 पक्षी बैठे हैं। हाँ। और शिकारी ने एक पक्षी को मार गिराया, बंदूक से गोली मारी और पक्षी को मार गिराया। हाँ। पता डाली पे कितने पक्षी बैठे होंगे? हम एक पक्षी को मार गिराया, वैसे मुझे पता है ये जरूर कोई घुमाने वाला क्वेश्चन होगा। वो पक्षी मरने के बाद डाली में ऐसे ही रह गया होगा, तो 10 के 10 ही होंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो जो वो पक्षी गिर गया डाली से नीचे, फिर तो 9 बचे ना। एक भी नहीं बचा ना। क्यों? जब उसने एक पक्षी को गोली मार के उड़ाया तो बाकी उड़ गए ना, तो डाली पे कोई भी डाली हो गई खाली। सुंदर स्त्री पाने के लिए पुरुष हमेशा आते, परीक्षा देते आए। त्रेता युग में धनुष तोड़ने की परीक्षा, द्वापर युग में मछली की आंख में तीर मारने की परीक्षा, और अब ये सरकारी नौकरी आ गई। इंस्टाग्राम और फेसबुक चक्रव्यूह है और हम सब अभिमन्यु। घुस तो गए पर निकलने में वीरगति प्राप्त है सके। आज बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा होगी। विषय होगा लंगड़ा आम को पैर कैसे टूटो। कमेंट में बताओ तुम। एक गान के छोरा है, फांसी की सजा सुनाई जा रही। जज ने पूछी, कोई आखिरी इच्छा है तुम्हारी? छोरा छूटते ही बोला, मेरी जगह तू लटक जा।